सालों से बगदाद की गलियों में घूमता हुआ एक चोर, जिसके नसीब में लिखा था एक ताकतवर हिडन वंस बनना, जिसे अपने अतीत को पहचानना था, सपनों में दिखे उस भयानक राक्षस का रहस्य सुलझाना था। मैं बैसिम इब्नीस हक और ये है मेरी कहानी, जो कि एक सड़क छाप चोर से एक हिडन वंस की ओर लेके जाता है। साल था 861, जहां पर मैं बैसिम एक यंग स्ट्रीट थीफ था, एक चोर था अनबार की गलियों में। वहीं पर मैं अपने दोस्त निहाल के साथ रहता था। वो मेरी मदद करती थी भयानक दिखने वाले सपनों से जूझने में। मैं एक सपना देख पाता हूँ जहां पर मुझे हमेशा एक जिनी तंग करता है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कई साल से मुझे ऐसे ही सपने आ रहे हैं। मैं यहां पर अपने दोस्त डेरविश के लिए काम करता हूं, और वो काम करता था हिडन वंस के लिए। हिडन वंस के सारे काम वो मुझसे करवाता था, और वही मैं भी बनना चाहता था। मैं यहाँ पर एक मामूली चोर बन के नहीं रहना चाहता, मैं हिडन वंस बनना चाहता था, उन्हीं में से एक होना चाहता था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मुझे अपने आप को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए था, जो कि मुझे तब मिला जब मैंने सुना कि हिडन वंस और डेरविस एक चेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि विंटर पैलेस में खलीफा के अंडर में था, और वो चेस्ट हिडन वंस को चाहिए था। तो मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए मैंने और निहाल ने ये प्लान बनाया कि मैं उसे उन लोगों के लिए चुराऊंगा, वो चेस्ट चुराऊंगा। बेशक ये बहुत जोखिम भरा काम था, लेकिन मुझे अपने आप को साबित करना था। तो मैंने निहाल के साथ मिलके विंटर पैलेस से वो चेस्ट चुराया था। चेस्ट खोलने के बाद वहाँ पर मुझे एक रिलिक मिला, जो कि मेरे छूने से जाग उठा था। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या था, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ से भाग के निकलना पड़ा। और इसी चीज़ में निहाल के हाथों खलीफा की मौत हो चुकी थी। वो गार्ड्स हम दोनों को ढूंढते रहे, और हमें यहाँ से बस बच के निकलना था। और हमने एक पॉइंट बनाया था जहाँ पर हम लोग मिलेंगे, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे निहाल नहीं थी, वहाँ पर मैं अकेला था। वहीं पर सुबह उठकर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने वही हिडन वंस की मेंबर बैठी थी। वो मेरे उठने का वेट कर रही थी, और उसी के हाथ में था वो रिलिक जिसके बारे में वो मुझसे पूछ रही थी। मैंने देखा कि अब सुबह होने के बाद भी यहाँ पर निहाल का कोई नामो निशान नहीं था, तो मैं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। यहाँ तक कि मुझे अपने चाहने वाले सभी लोगों को आगाह करना था कि खलीफा के गार्ड्स उन सभी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब मैं दरवेश के पास पहुँचा उसे आगाह करने के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। उन गार्ड्स ने सभी लोगों को मार दिया था। तब मुझे समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन यहाँ पर निहाल ने मुझे रोका, और उसे देख के मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर, क्योंकि उसी की वजह से इन सभी को मार दिया था। अगर वो उस दिन विंटर पैलेस में खलीफा को नहीं मारती, तो मेरे ख्याल से आज डेरविस और उसका पूरा परिवार जिंदा होता। और इसी रेंज में आके मैंने उससे यहाँ से जाने को कह दिया था। वहीं पर मुझे भी यहाँ से निकलना था, लेकिन मेरे पास कोई भी जगह नहीं थी। लेकिन मुझे याद आई थी रोशान की बात। रोशान यानी कि वही हिडन वंस की मेंबर, जिसने कि मुझसे यही कहा था कि एक डॉक पे मिलना है। मैं वहाँ पर पहुँचा, लेकिन वहाँ पर मुझे गार्ड ने रोक लिया था, मुझे पकड़ लिया था। मैं डर गया था, लेकिन वहीं पर ही उसी असैसिन ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला, और फिर मैं पहुँचा फोर्ट्रेस ऑफ अलामुत, वो जगह जहाँ पर बरसों से असैसिन तैयार होते हैं, और वही उनका एक हेडक्वार्टर है। अब मैं समझ चुका था कि मेरे लिए बगदाद में कोई जगह नहीं है, क्योंकि खलीफा के लोग मुझे ही ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने अपने आप को तैयार किया एक हिडन वंस बनने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास बस यही रास्ता था। एक हिडन वंस बनने का मौका जो मुझे मिला है, उसे मैं जाहिर न जाने दूँ। हिडन वंस के किले में कई साल तक मैंने ट्रेनिंग करी, और मैं आखिरकार एक हिडन वंस बन चुका था रोशान की वजह से, क्योंकि वही मुझे ट्रेन करती थी। यहाँ पर हमारे मेंटर, जो कि हिडन वंस के मेंटर थे, उन्होंने ये बताया कि अब बगदाद में ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट, जिन्हें कि आज के टाइम पे टेम्पलर्स कहा जाता है, और हमें यानी कि हिडन वंस को कहा जाता है असैसिन्स। बगदाद में ऑर्डर्स सभी जगह फैल चुके थे, और उन सबको रोकने का सिर्फ और सिर्फ जरिया था द हिडन वंस, यानी कि हम सब। तो यहाँ से रेहान के कहने पर मैं और रोशान निकल पड़ते हैं बगदाद में छानबीन करने के लिए। बगदाद में हमें अली को ढूंढना था, जो कि असल में बगदाद में असैसिन्स की आंखें थी, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं था, और उसे पकड़ लिया गया था ऑर्डर द्वारा। वहीं पर इतने साल बाद बगदाद आने के बाद मुझे अपना पुराना दोस्त मिला, जो कि था डेरविस। वो जिंदा था, और वो वहाँ से निकल चुका था सही समय पर। यहाँ पर मैं बहुत खुश था कि मुझे अपना वही दोस्त वापस मिल गया है, और वो जिंदा है। बगदाद में हमने एक हिडन वंस ब्यूरो बनाया था,
जहाँ से हम लोग काम करते थे। सभी के बारे में जानकारी निकलवाना, कौन कौन ऑर्डर है और किस किस पोजीशन में जाके बैठा है और किस तरह से इस पूरे बगदाद को रूल कर रहा है, वो सभी हमने पता लगाया और एक एक करके मैंने सभी ऑर्डर्स को मार गिराया। तभी मुझे मालूम चला कि पूरी ऑर्डर्स कुछ रिलिक ढूंढ रहे हैं जो कि ईसु आर्टिफैक्ट से बिलोंग करता है, लेकिन उससे क्या होता है वो अब तक मुझे मालूम नहीं था। यहाँ पे मुझे हर एक 5 ऑर्डर मेंबर से कुछ ना कुछ जानने को मिला अबाउट द एंशिएंट रिलिक कि वो लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो क्या ढूंढ रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम था। बस मुझे इतना पता था कि असल में मेरा कुछ ना कुछ उससे कनेक्शन है। बहरहाल इसी बीच में अपनी दोस्त निहाल से भी मिला था जो कि अभी तक उसी होलोग्राफिक मैसेज के पीछे पड़ी हुई थी, जो कि हमें सबसे पहली बार देखने को मिला था जब मैंने खलीफा से वो चेस्ट स्टील किया था। यहीं पे मुझे मालूम चला निहाल से ही कि असल में जो ऑर्डर्स हैं वो कुछ आर्टिफैक्ट ढूंढ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं मुझसे भी लिंक्ड है। जब मैंने 5 ऑर्डर के मेंबर्स को मारने के बाद ऑर्डर ऑफ द लीडर्स असैसिनेट किया, तब मुझे मालूम चला कि असल में वो जानती है कि जो भी मैं आंसर्स ढूंढ रहा हूँ वो असल में अलामत के नीचे एक ईसु टेम्पल में दफन है। Our prodigal scion has arrived. Have you not wondered at your nature? Even my son knew to ask what you were. When he saw your hand touch and wake the ancient's gift. What am I? Something more than man. Enough riddles. Speak plainly. Why speak what can be shown? Come with me to Alamut. Beneath its temple walls lies all the knowledge that you are heir to. Your so-called brothers would sooner die. मुझे लगा था कि मेरे सारे सवालों के जवाब अब मुझे यहीं से मिलेंगे, लेकिन उसी समय रोशन ने आके कबीहा को मार डाला मेरी आंखों के सामने, और वो इसलिए कि मैं अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन वहीं पे रोक दूं। लेकिन यहाँ पे मैंने पहली बार अपनी मेंटर को डिसोबी किया। मैं निकल चुका था निहाल के साथ अलामुत पर, लेकिन वहाँ पर जाते मैंने ये देखा कि वहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं उसने अपना पकड़ जमा ली है और सभी असैसिन्स को मार दिया, सभी हिडन वंस को मार दिया है। फोर्ट्रेस पहुँच, यहाँ पर मैंने कई सारे असैसिन्स को, हिडन वंस को फ्री किया उनके चंगुल से और एक टीम बनाई जो कि उनसे लड़ सके। वहीं पर मैंने रेहान को भी फ्री किया जो कि हमारा मेंटर था, उन सभी को बंदी बनाया गया था। मैंने उन्हें बताया कि असल में मेरे अंदर एक शक्ति है जो कि असल में मुझे भी नहीं पता है, और वो सारे जवाब, सभी सवालों के जवाब मुझे मिलेंगे उसी ईसु टेंपल में जो कि यही अलामुत के अंडरनीथ है। तो मुझे वहाँ पे जाना था, लेकिन वहीं पर मेरा सामना होता है रोशन से। अब रोशन असल में मेरे बारे में हर एक चीज़ जानती थी जो मैं नहीं जानता था, वो मेरी असलियत जानती थी, और जो भी मैं देखता हूँ, जो भी मेरा वहम होता है, वो जीनी, उन सब के बारे में उसे अच्छे से मालूम था। रोशन ने हर वो कोशिश करी कि मैं उस टेंपल के अंदर ना जा पाऊँ, लेकिन मुझे उसे हराना पड़ा, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया क्योंकि वो असल में मेरी मेंटर है और ये मैं हमेशा याद रखूँगा। मैं और निहाल टेंपल के लिए निकल चुके थे जहाँ पर हमें कुछ डिस्क शेप्ड आर्टिफैक्ट देखने को मिले थे जो कि मुझे सबसे पहले उसी चेस्ट में देखने को मिले थे। वैसे यहाँ पर कई सारे आर्टिफैक्ट थे और एक स्टेसिस पॉट था। जब मैंने वो पॉट खोला तो वहाँ पर मुझे और कोई नहीं, निहाल दिखी, और वो बहुत परेशान थी। वो वहाँ से बाहर आना चाहती थी, लेकिन तभी मैं समझ पाया कि असल में निहाल सच नहीं थी, वो एक मेरा मिराज था, वो एक मेरा वहम था, वो एक इल्यूजन था जो कि सदियों से मेरे साथ रहा। जब मैं यहाँ पर अपने सपने को फेस करता हूँ, वही जीनी को फेस करता हूँ, तो मैं समझ पाता हूँ कि असल में वही मेरी मेमोरीज थी, और उस मेमोरीज़ को गेन करने के बाद अब मैं समझ पाया हूँ कि मैं और कोई नहीं, लोकी हूँ, द नॉर्स गॉड। और ये एक प्रिजन है जो कि लोकी के लिए बनाया गया था, उसे कैद रखने के लिए, लेकिन अब असल में मैं ही लोकी का अवतार हूँ। जब ओडिन और लोकी रैग्नारोक के बाद वहाँ से भागने में कामयाब हुए थे और अपनी कॉन्शियसनेस को इस वर्ल्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने अपने आप को एक स्टेटस पॉड में कैद रखा था, यहाँ पर हर एक चीज़ जानने के बाद, हर सवालों के जवाब जानने के बाद, मैं निहाल से एक हो चुका था, मैं निहाल से फ्यूज़ हो चुका था, और सभी जानकारी, सभी इंफॉर्मेशन, मेमोरीज मैंने गेन कर ली थी। टेंपल से बाहर आते मैं अपने हिडन वंस दोस्तों से मिला, और यहाँ पर रोशन ने रिजाइन दे दिया था जो कि अब एक असैसिन नहीं थी। जो भी उसने किया उसके बाद अब वो एक असैसिन नहीं है, और उसे यहाँ से निकाल दिया है। यहाँ पर मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था जो कि था अपने आप को पहचानना, लेकिन अब मैं वो जान चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। अब मुझे तलाश है उन लोगों की जिन्होंने मुझे कैद करके रखा था, और यहीं से मेरी ज़िंदगी का दूसरा पन्ना शुरू होता है। मैं बैसिम इब्नीस हाफ, और ये थी मेरी कहानी।
ऑलराइट, तो होप सो कि आपको असैसिन्स क्रीड मिराज की कहानी अच्छी लगी हो, जो भी आपको बसीम ने सुनाई। यहाँ पर हम देख पाते हैं कहानी के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि कुछ असैसिन्स आपस में बात कर रहे हैं और वो ये रिवील करते हैं कि हो ना हो नेक्स्ट असैसिन्स क्रीड मॉडर्न एज में हो सकता है, यानी कि प्रेजेंट डे टाइमलाइन। ये एक तरह का कट कंटेंट है जो कि गेम से हटाया गया है, बट आई डोंट नो, अगर इसे यूज में लाते तो कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट चैप्टर को सेटअप करता जो कि मॉडर्न डे में हो सकता था। ऑलराइट, ये थी कंप्लीट कहानी असैसिन्स क्रीड मिराज पर। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और जो हमारा नया अंदाज है वो भी आपको अच्छा लगा हो। जाने से पहले लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे ही ढेर सारे कंटेंट में, लाइक थ्योरीज, एंडिंग एक्सप्लेनेशंस, पॉसिबिलिटीज, वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं इस चैनल पे। जाने से पहले हमें इंस्टा पे और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, वहाँ पर ढेर सारी अपडेट्स मिलती हैं, बिहाइंड द कैमरा, ऑफ द कैमरा, ऑन कैमरा, जो भी है। टिल देन मैं भी मिलता हूं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, मजे करें, खुश रहें और देखते रहें। धन्यवाद।